गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर टेन द मून फ्रॉम आर इंग्लिश लिटरेचर बुक सो दिस इज नॉट अ चैप्टर बेसिकली दिस इज अ पोएम यह एक पोएम है वॉट इज दिस पोएम अबाउट टाइटल से पता चला होगा कि मून के बारे में चांद के बारे में द पोएम इज अबाउट द मून द मून हैज़ नो वॉटर विंड और एयर सो देयर इज नो लाइफ फाउंड ऑन इट इट इज अ लोन सो लिटिल गर्ल शोज हर लव एंड सिंपथी टूवर्ड्स द मून इन द स्काई क्या है कि ये पोएम जो है ना मून पे बेस्ड है किस पे बेस्ड है मून पे बेस्ड है मून के बारे में है चांद के बारे में इसमें बताया गया है कि मून पर कुछ भी नहीं होता है मून पे मून हैज़ नो वाटर ना ही विंड है ना ही एयर है देर इज नो लाइफ फाउंड ऑन इट अब अर्थ है अर्थ अपना प्लानिट है अर्थ पे अपन को खाना मिलता है किसके थ्रू पेड़ों के थ्रू ऑक्सीजन मिलती है सो नाउ लेट्स बिगिन विद पोएम आर यू लोनली मून तो ये अपनी पोइट है ये छोटी सी बच्ची है ये मून से कहती है मून मा, चंदा मामा क्या तुम तो मा अकेले हो आर यू लोनली यू जॉइंट वाइट बलून तो ये उससे कहती है देखो ये जॉइंट मतलब क्या होता है बहुत बड़ा वाइट मतलब वाइट और बलून कैसा होता है बलून ऐसा होता है ना कि पहले बलून में अपन एयर फिल कर देते हैं वो उनको मोटा बिल्कुल बॉल जैसा हो जाता है अपना मून भी देखो आप इमेज में भी देखोगे कि बिल्कुल कैसा मून बिल्कुल गोल गुब्बारे जैसा बलून जैसा लग रहा है तो उससे कहती है यू जॉइंट वाइट वाइट कलर का होता है तो यू जॉइंट वाइट बलून उसको कंपेयर करती है बलून से कि तुम तो अकेले हो क्या आर यू लोनली यू हैव नो वाटर विंड और एयर नो वर नथिंग लिव्स अप देर तो उसे कहती है ना तुम्हारे पास पानी है ना तुम्हारे पास विंड है ना ही एयर है तुम्हारे पास ना ही पानी है ना ही हवा है नो no वंडर मैं सोच भी नहीं सकती हूँ तुम वहाँ पे रहते कैसे हो गए अकेले तो वो उससे कहती है कि आर यू लोन क्या तुम अकेला लगता है तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है यू कॉन्ट ग्रो ट्रीज और फ्लावर्स और ग्रास तुम तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारी ज़मीन भी कुछ भी नहीं उगता होगा ना ही पेड़ उगते होंगे ना ही फ्लावर्स उगते होंगे ना ही ग्रास उगती होगी योर सॉयल इज़ ओनली रॉक्स एंड ग्लास तुम्हारी जो मिट्टी है वो सिर्फ ही पत्थरों की बनी हुई है रॉक्स की बनी हुई है और ग्लास की बनी हुई है ग्लास मतलब शाइनी हम लोग उसके लिए यूज़ करते होंगे क्योंकि शाइन करता है ना मून लस्ट्रस होता है तो उसको हम लोग शाइन के उस पर यूज़ करते हैं कि तुम्हारे पास तो लड़की कहती है उससे गर्ल कहती है पोइट कहती है अपनी कि तुम्हारे पास ना ही हवा है ना ही पानी है ना ही तुम्हारी मिट्टी में पेड़ उगते हैं ना ही फ्लावर्स उगते हैं ना ही ग्रास उगते हैं तो तुम कितने अकेले हो इवन योर लाइट इज़ नॉट योर ओन अब हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती है जब मून पे सन लाइट पड़ती है ना जितने पोर्शन पे सन लाइट पड़ती है मून का उतना पोर्शन शाइन करता है तो जब रात में जब चंदा मामा अपने चमकते हैं ना जब अपना मून चमकता है तो हमें उसकी लाइट जब दिखती है कि देखो आज कितनी अच्छी लाइट है है ना तो वो मून की लाइट नहीं है मून की लाइट नहीं है वो उस पर सन पड़ रही है वहाँ पर स्पेस में वहाँ पे हम लोग जाके पता है कि जब मून के जब सनलाइट मून पे पड़ती है तो जितने पोर्शन पे पड़ती है मून के जितने सरफेस पे जितने एरिया पे पड़ती है मून का उतना ही फेस शाइन करता है अब अपने रूम है अगर अपना रूम है जिस कमरे में हम लाइट जलाएंगे वही कमरे में तो रोशनी होगी ना रात में जिसमें नहीं जलाएंगे उसमें तो नहीं होगी तो ऐसे मून के मान लो इतने पोर्शन पे लाइट पड़ रही है तो सिर्फ इतना पोर्शन ही शाइन करेगा जिस दिन पूरे उस पर शाइन करती है फुल मून वाली वो होती है पूर्णिमा की राज जैसे हम कहते हैं ना तो उस पर पड़ती है तो पूरे पर शाइन करती है और जैसे सनलाइट कहीं पर भी नहीं पड़ रही है पूरे मून पर कहीं नहीं पड़ रही है तो नो मून नाइट रहती है ना वो उसको हम लोग क्या कहते हैं अमावस्या की रात कहते हैं जिसमें मून रहता ही नहीं है और कभी कभी मून के शेप्स पे देखो जितने विजिबल होते हैं कभी आधा चंदा मामा दिखता है कभी थोड़ा उससे आधा दिखता है कभी आधे से ज़्यादा दिखता है तो ये उसके मून के जो शेप्स चेंज होते रहते हैं तो वो इसलिए होते हैं तो वो ये कहती है कि तुम्हारी तो खुद की लाइट भी नहीं है इंस्टेंट इट्स फ्रॉम द सन दैट्स शोन तो तुम्हारी जो भी लाइट मतलब तुमसे जो आती है वो तुम्हारी खुद की नहीं है तुम्हें तो वो भी सन से मिलती है योर ग्रेविटी इज़ वीक जब जैसे अर्थ पे ग्रेविटी होती है अगर हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं अगर हमने पेंसिल ऊपर फेंकी है तो वो ऐसा नहीं कि वो हवा में ही रहेगी वो वापस नीचे आ जाएगी अगर हम जंप करते हैं अर्थ से तो ऐसा नहीं कि हम हवा में रहेंगे हम नीचे आ जाएंगे वापस अगर पेड़ है पेड़ से अगर फल कोई गिरा है तो वो नीचे आएगा ये नहीं कि वो पेड़ में ऊपर है तो वो वहीं रहेगा तो ग्रेविटी क्या होती है अपने अर्थ में कोई चीज़ नहीं है वो क्या अपन उसको देख पाएँ इट इज़ अ पावर जो अपनी अर्थ में है जो ऊपर वाले ने भगवान ने अर्थ पे डाली है लेकिन बाकी प्लैनेट्स पर नहीं है ये आप अगर अर्थ के बाहर जाते हैं अपन लोग यूनिवर्स है अपन ने पढ़ा है ना साइंस में सोलर सिस्टम वगैरह तो अपन ने पढ़े हैं कि बाकी के प्लैनेट्स हैं अर्थ है जैसे वैसी बाकी के प्लैनेट्स हैं तो मून भी आएगा वहाँ पे स्पेस में तो मून में ग्रेविटी नहीं है अगर हम लोग वहाँ पे इंसान या कोई भी चीज़ चली जाती है तो वो वहाँ पे ना उड़ेगी वहाँ पे वो ज़मीन पे खड़ी नहीं हो सकती है वहाँ पे वो लैंड पे खड़ी नहीं हो सकती है वो हवा में उड़ती ही रहेगी तो वो उससे कहती है तुम्हारे पास तो ग्रेविटी भी नहीं है योर ग्रेविटी इज़ ऑल्सो वीक तुम्हारी तो ग्रेविटी भी वीक है आई हैड यू रियली हैव नो एटमोसफेयर तो वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास तो कोई एटमॉसफेयर ही नहीं है एटमोसफेयर क्या होता है द होल मास ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ अपने आसपास जो है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं अपने सराउंडिंग को एटमॉस्फेयर कहते हैं जैसे अपने आसपास क्या है अपन लोग सांस ले पाते हैं हवा है है ना तो जो हवा है और जो होल मास ऑफ एयर है जो अपने अर्थ को सराउंड करती है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं वहां पे तो मून पे हवा है नहीं तो उससे कहती कि तुम्हारे पास तो कोई एटमोसफेयर ही नहीं कोई वातावरण ही नहीं है बट डोंट बी सेड पर तुम बुरा नहीं मानो तुम दुखी मत हो मून ये पोइट कहती है मून से सब कुछ कहने के बाद उससे कहती है कि प्लीज़ तुम दुखी मत हो तुम सैड नहीं हो प्लीज़ डोंट क्राई फॉर आई स्टिल लव यू इन द स्काई पर तुम्हारे पास कुछ ना होने के बाद भी मैं तब भी तुमसे प्यार करती हूँ आई स्टिल लाइक यू क्योंकि जब तुम आते हो ना तो उसको अच्छा देखो अपन लोग को मून को देखे कितनी खुशी मिलती है आसमान में रात में अपन लोग सूरज को तो सुबह नहीं देख पाते हैं ना लेकिन रात में जब चंदा मामा आते हैं अपन लोग कहते हैं मम्मी वो देखो चंदा मामा आ गए है ना और वो क्या कहते हैं कि हर रिलीजन में भी चांद का आना खुशियों का माना खुशियों का आना माना जाता है जैसे मुस्लिम्स क्या ईद पे दिखता है तो लोग उसको देख के ख़ुशी मनाते हैं हिंदूज में करवा चौथ पे दिखता है तो उसको देख के खुशी मनाते हैं मून के पास कुछ ना हो के भी जब मून स्काई पे रात में आता है तो उसको देख के कितनी खुशी मिलती है तो वो लड़की उससे कहते हैं कि प्लीज़ डोंट क्राई डोंट बी सैड आई फॉर आई स्टिलव यू इन द स्काई तुम्हारे पास कुछ ना होने के बाद भी जब तुम आसमान में आते हो तब भी मुझे तुम्हें देख के खुशी मिलती है आई स्टिल लव यू तो ये इससे कहती है एंड नाव हेर आ पोएम एन्च बहुत ही प्यारी पोएम थी ये ना अगर आप आपको इस पर कोई भी डाउट हो और कोई मीनिंग समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से देख सकते हो और आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन जस्ट आस्क मी थैंक यू